दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय ट्रेसेस हेयर लॉस सोलन। अट्रैक्टिव दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है, अगर आप भी फैशन की चाह रखते हैं तो बेझिझक चले आइए सोलन के ट्रेसेस हेयर लॉस में, जहां पर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ आपको प्रदान करता है बेहतरीन सर्विसेज, वो भी सस्ते दामों पर। ट्रेसेस हेयर लॉस के मालिक पंकज ने बताया है कि यहां कस्टमर के लिए फेस्टिवल पर अट्रैक्टिव पैकेजेस उपलब्ध हैं, तो आज ही संपर्क कीजिए। मैं भारतीय सेना का जवान गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं अपने देश व संविधान का हर परिस्थितियों में पालन करूंगा। मुझे देश की रक्षा के लिए जहां कहीं भी हवा, पानी और वायु के रास्ते तैनात किया जाएगा, मैं देश की रक्षा करने के लिए तैनात रहूंगा। कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ 14 GTC के धर्मगुरु सूबेदार रामबनी पाठक ने 136 कोर्स के 121 जवानों को 42 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद तेज बारिश के बीच विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल होने की शपथ दिलवाई। सुबाथू में शनिवार को 14 GTC के ऐतिहासिक सलारिया स्टेडियम में भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर सलारिया स्टेडियम शपथ ग्रहण के दौरान सेना के अधिकारियों और शपथ ग्रहण कर रहे जवानों के दूर दूर से आए अभिभावकों से भरा हुआ था। 14 GTC के ब्रिगेडियर HS संधू ने पहली बार इस भव्य परेड का निरीक्षण करते हुए सलामी ली। ब्रिगेडियर HS संधू ने कहा कि इस कसम परेड में भगवान भी शामिल हुए हैं। इतनी बारिश होने के बावजूद आप सभी की परेड, ड्रिल, मार्चिंग सब कुछ बहुत अच्छा रहा। ब्रिगेडियर HS संधू ने ट्रेनिंग के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जवान को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर सूजन बहादुर सूर्यवंशी को बेस्ट रंगरूट के खिताब से नवाजा गया। इस अवसर पर 14 GTC के सेना बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की, साथ ही खुखरी डांस का भी आयोजन किया गया। वहीं शपथ कार्यक्रम के दौरान दुश्मनों को धूल चटाने का एक हुनर कार्यक्रम में पेश किया गया। वन प्रतिशत कोर्स बताई को कर कसम परेड में भगवान पनी खुशी बहादुर बैंड तला उसको बावजूद की देरे बारिश बहरा था तपाई को ड्रिल तपाई को मार्चिंग तो गन राम्रो छ यो नमूना छ कि जो तपाईले पिछला 42 हप्ता को ट्रेनिंग में जो उच्च कोटि को ट्रेनिंग पा छ आज मैले हेर्नु भयो म तपाई सबैले मुबारकबाद दिनु मान्छु कि जो तपाईले मेहनत गरेर जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे सर अब तपाईले अपना अर्को एउटा जिंदगी शुरू करने वाला छ जबकि तपाई इंडियन आर्मी को स्थापन का तगड़ा रेजिमेंट फर्स्ट गुरखाज फोर गुरखाज को पलटन अरुमा गहरा अपनो योगदान दिन छ मोटिन GTC को ट्रेनिंग बटालियन को समस्त टीम लाई मुबारकबाद दिन मांगछु जो कठिन प्रशिक्षण तबिले पाछा यो आउनु वाला टाइम मा तपाईले देश को लागि योगदान दिनु सक्छ। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सुबाथू से कपिल गुप्ता की रिपोर्ट।